गाइस किसी ट्रेंड को फॉलो करना एंड कंट्रोवर्सी पर वीडियोस बनाना, अगर आप इस तरह की वीडियोस बनाएंगे तो उन पर व्यूज तो आपके डेफिनेटली आएंगे और आपके वीडियो वायरल भी जा सकती है। क्योंकि गाइस मेरा चैनल यूट्यूब टिप्स देने का है, तो मैं गाइस आपको इस कंट्रोवर्सी की डिटेल तो बताने वाला नहीं हूं, बट गाइस मैं आपको बताऊंगा कि आप इस कंट्रोवर्सी का फायदा उठाकर अपनी वीडियोस को, अपने चैनल को किस तरीके से ग्रो करेंगे। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक। हे गाइस, दिस इज आसिफ एंड यू आर वाचिंग आसू की टेक। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज यहां पर आपको फ्रेश कंटेंट मिलता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अमन धत्तरवाल एंड फिजिक वल्ला में कंट्रोवर्सी चल रही है, काफी लोग इनको लेकर वीडियोस बना रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में अपनी नीश से भटक गए हैं। अगर आपके चैनल की नीश कंट्रोवर्सी को लेकर ही, आप बाकी वीडियोस भी कंट्रोवर्सी को लेकर या किसी ट्रेंड को लेकर ही डालते हैं, तब तो आपके लिए कंट्रोवर्सी वीडियोस बनाना अच्छा हो सकता है। सपोज करो कि आपका चैनल टेक का है, या फिर आपका चैनल गेमिंग का है, या फिर आपका चैनल यूट्यूब टिप्स देने का है, जैसे कि मेरा चैनल है। अगर आप अपनी वीडियोस बनाते हैं इस ट्रेंड के ऊपर, इस कंट्रोवर्सी के ऊपर, तो गाइस आपके जो ऑडियंस है वो आपको कंट्रोवर्सी वाली मिलेगी, एंड गाइस वो आपके चैनल पर बाकी वीडियोस देखेंगे जिनमें उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। कि जो ऑडियंस आएगी, मान लो कि अगर आपकी वीडियोस वायरल भी हो गए और उससे आपको बहुत सारी ऑडियंस मिल गई, तो गाइस वो ऑडियंस आपकी एकदम डेड होगी, आपके वो सब्सक्राइबर एकदम डेड होंगे, वो किसी काम के नहीं होंगे, क्योंकि वो आपकी और वीडियोस में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे। बात आती है कि हमें किस तरीके की वीडियोस बनानी चाहिए, इस कंट्रोवर्सी से हम किस तरीके से अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो का थंबनेल देख सकते हैं कि कंट्रोवर्सी रिलेटेड तो मैंने इमेजेस यूज की है, बट गाइस आप इसमें लिखा हुआ देख सकते हैं कि वो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं है। आप इस वीडियो का टाइटल भी देख सकते हैं, टाइटल भी आपको कंट्रोवर्सी से रिलेटेड नहीं मिलेगा। एक नॉर्मल कंट्रोवर्सी वीडियोस की बराबर तो इस पर व्यूज नहीं आएंगे, बट जितने भी इसमें व्यूज आते हैं, जितने भी ऑडियंस मेरे चैनल पर इस वीडियो के थ्रू आएगी, तो वो ऑडियंस मेरे इस चैनल के नीश के हिसाब से होगी, एंड वो ऑडियंस मेरी बाकी वीडियोस में भी इंटरेस्टेड होगी। अगर मैं इसके बाद कोई और वीडियो भी अपलोड करता हूं तो वो उसको भी वॉच करेंगे। तो गाइस ये है मेरे नीश के अकॉर्डिंग ऑडियंस। मैं इस कंट्रोवर्सी का सहारा लेकर आपको यूट्यूब पर ग्रो होने के बारे में बता रहा हूँ। मेरी वीडियो का जो नीश है वो भी सेम है, मेरा टाइटल भी उससे रिलेटेड है, एंड मेरा जो थंबनेल है वो भी उससे ही रिलेट करता है। अगर आपका इसी तरीके से किसी भी कैटेगरी में अगर आपका चैनल है और अगर आप अपने नीश के हिसाब से उस कंट्रोवर्सी या उस ट्रेंड को लेकर वीडियोस बना सकते हैं तो ही वीडियो बनाएं। ऐसा नहीं करें कि कंट्रोवर्सी चल रही है तो आप कंट्रोवर्सी की ही वीडियोस बना दें। आप गेमिंग की वीडियोस बनाते हैं और यहाँ पर आप कंट्रोवर्सी की वीडियोस डालते हैं, तो वहां से ऑडियंस तो आपको मिलेगी बट वो एकदम से डेड होगी। कंट्रोवर्सी एंड ट्रेंड को अगर फॉलो करना है तो आपको अपने नीश के हिसाब से सही तरीके से यूज करना होगा, तभी आप अपने चैनल को ग्रो कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा नॉलेज मिली होगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। फिलहाल गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।